देश और दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चर्चा चलती रहती है। अब अचानक पीएम मोदी को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हुई है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की पुरानी डायरी का एक पन्ना लोगों का ध्यान खींच रहा है। डायरी में भारतीय संस्कृति, दर्शन और परंपरा को बताते संस्कृत वाक्य लिखे हैं। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने डायरी में ये तब लिखा था जब वो बीजेपी के एक कार्यकर्ता हुआ करते थे। खास बात यह है कि डायरी में लिखी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी अक्सर अपने भाषणों में दोहराते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस डायरी में आखिर लिखा क्या है। डायरी के पन्ने पर लिखे संस्कृत वाक्यों का मतलब हम आपको हिंदी में बताते हैं। डायरी में सबसे पहले लिखा है कि हमारी चेतना है, हमारी प्रकृति है, विविधता में एकता। उसके बाद कार्यशैली का जिक्र किया गया है। कार्यशैली के आगे लिखा है कि ईश्वर हम सभी की रक्षा करे, हम सभी का एक साथ पालन करे। उसके बाद राष्ट्रीय आकांक्षा की बात की गई है। राष्ट्रीय आकांक्षा का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि मैं अपने जीवन को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करता हूँ, ये मेरा नहीं है। उसके बाद ग्लोबल विजन की बात कही गई है। ग्लोबल विजन के आगे लिखा है कि पूरा विश्व, पूरी धरती हमारा परिवार है। कार्यकर्ता के तौर पर लिखे गए इन वाक्यों में नरेंद्र मोदी ने परंपरा के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि हमारी परंपरा है चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहना, लगातार चलते रहना, नए विचारों के लिए तैयार होकर चलते रहना। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने सपने के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि हमारा सपना है कि पूरी दुनिया सुखी रहे। मर्यादा का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि मेरा ना किसी राज्य के राजा बनने की कामना है और ना ही स्वर्ग की कामना है और ना ही पुनर्जन्म की कामना है। नरेंद्र मोदी ने लिखा कि उनके लिए ऊर्जा है वंदे मातरम, यानी मातृभूमि का वंदन। सोशल मीडिया पर डायरी का ये पन्ना अब जबरदस्त वायरल हो रहा है। कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी के विचारों को पढ़कर पूरा देश हैरान है।